हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये हमारी एटम की नेक्स्ट क्लास है। एटम में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो गीगर और मार्स डेन का एक्सपेरिमेंट था ना बच्चों, उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे टर्म्स उसके ऊपर बन सकते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे का टर्म हमारा क्या है स्टूडेंट। बच्चों गीगर और मार्स डेन के एक्सपेरिमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, इस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, इस नेक्स्ट टॉपिक को हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगला टॉपिक हमारा कहलाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गीगर और मार्स डेन रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे और रदरफोर्ड के कहने पर उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले। उन रिजल्ट्स में चार रिजल्ट्स मेन है। नंबर वन, बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप लोगों को पता है कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे। तो रदरफोर्ड ने इससे रिजल्ट ये निकाला कि इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली है। गीगर ने तो रिजल्ट बताया ये कि भैया ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो रदरफोर्ड ने सोचकर कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं तो एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली है। गीगर ने अगला रिजल्ट रदरफोर्ड को बताया कि सर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो एक्यूट एंगल से मुड़ गए हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई अगर कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से मुड़ गए हैं ना, तो इसका मतलब यह है, ध्यान से बात को सुनिएगा, कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जरूर एटम के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन काम किया होगा जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल मुड़ के चला गया होगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। गीगर ने अगला रिजल्ट ये बताया कि सर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, मतलब लगभग 8% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, 1.99 अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो ऑब्ड्यूस एंगल से मुड़ गए हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि यार अगर इतने अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो ऑब्ड्यूस एंगल से मुड़ गए हैं, इसका मतलब ये है कि जरूर एटम के अंदर कोई पॉइंट ऐसा मौजूद है जिस पर पूरा एटम का पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके बाद रिजल्ट बताया गया कि सर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो जैसा गया बिल्कुल वैसा ही लौट गया। रदरफोर्ड ने कहा कि लो भैया तय हो गया कि एटम का पूरा चार्ज उसके सेंटर में है, एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में है और उस पॉइंट को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। यानी आप लोगों ने ये जो गीगर और मार्स डेन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना बच्चों, इसी को हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। अगर कोई आप लोगों को कहेगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, तो कोई नई बात नहीं लिखेंगे, आपकी कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं आप लोग, ये जो आपने डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, हमें समझाइए कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप एक काम करेंगे कि आप गीगर और मार्स डेन का डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो गीगर और मार्स डेन के रिजल्ट्स हैं, जो गीगर और मार्स डेन के रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स आप रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में लिखकर आएंगे कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली है, कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से छोटे एंगल से मुड़ गए, जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज है, समझ आ रही बात, कुछ अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूज एंगल से मुड़ गए, अब तो पक्का हो गया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल जैसा गया था वैसा ही लौट गया, कंफर्म हो गया कि वो पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में है और उस पॉइंट को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट्स हैं बच्चों, यही गीगर और मार्स डेन के रिजल्ट्स हैं, यही रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स हैं। बोलिएगा नहीं तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और जो पॉइंट्स आपने गीगर और मार्स डेन में लिखे हैं एज इट इज जू के तू, वही पॉइंट आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में लिख दीजिए कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल, ये वाले जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड, इट मींस द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली है।
some of them are deflected through small angle. It means there are positive charge. कोई पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर मौजूद है जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चों। तो इसी तरीके से ये सारे पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग बच्चों ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर। ये ड्रॉबैक है, सही बताऊं तो काम की चीज सिर्फ यही है, बाकी तो हम लोगों ने गीगर और मार्स लैन में पढ़ ही लिया है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और गीगर और मार्स लैन के सारे रिजल्ट को वहां भी छाप दीजिएगा। वही रिजल्ट गीगर में, वही रिजल्ट रदरफोर्ड में। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में लिखेगा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरीके का? जो रिजल्ट्स गीगर और मार्स लैन के एक्सपेरिमेंट के हैं बिल्कुल वही रिजल्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हैं बच्चों। बस ड्रॉबैक रदरफोर्ड ने अपनी तरफ से अलग से दिए, बल्कि रदरफोर्ड ने तो ये ड्रॉबैक दिए भी नहीं थे, क्योंकि जो भी आदमी अपना एटॉमिक मॉडल देता है वो तो ये समझता है कि भाई मैंने तो बहुत एक्यूरेट एटॉमिक मॉडल दिया है, मेरे मॉडल में तो कोई कमी है ही नहीं। रदरफोर्ड के बाद में जो अगले साइंटिस्ट आए उनका नाम था बच्चों नील्स बोर। बहुत महान साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इन्हें बोला जाता है। नाम है नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां बताई कि भाई तेरी कमियां ये हैं, तूने काम बड़ा शानदार किया है, बहुत अच्छा काम तूने किया है ये बताकर कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम का कौन सा हिस्सा भरा हुआ है, कौन सा हिस्सा खाली है, लेकिन फिर भी तेरे एटॉमिक मॉडल में ये कमियां हैं, ये कमियां मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप लोग उन कमियों को लिखना स्टार्ट करो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तीन मुख्य कमियां हैं, तीन मेन उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं। नंबर वन, एक तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं ये नहीं बता पाया। देखो लास्ट में लिखा हुआ है इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ना बच्चों, उन ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों। समझ में आ रही बात? दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बच्चों, इस चैप्टर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन H लाइन स्पेक्ट्रम। मैं अभी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा टॉपिक हमारे पास में है, अगर मैं कोशिश भी करूंगा अभी बताने की तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो जो नंबर तीन का ड्रॉबैक है ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर टू हमारे पास में यह है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम अगर मैं आसान शब्दों में और एक लाइन में इसे डिफाइन करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए तो, कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट बदलता कैसे है, छोटी ऑर्बिट से बड़ी ऑर्बिट में कैसे जाता है और बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट में कब और कैसे आता है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये जो ऑर्बिट चेंज करने का प्रोसेस है ना बच्चों, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है हमारा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। यानी एक तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता पाया, एक इलेक्ट्रॉन के जो घर की अदला बदली होती है, कभी छोटी ऑर्बिट से कभी बड़ी ऑर्बिट में भाग गया, कभी बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट में आ गया, ये कैसे होता है, इस बात को रदरफोर्ड बिल्कुल भी नहीं समझा पाया, ये भी इसके अंदर आता है बच्चों पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि समझ आ रही होगी। नंबर तीन पॉइंट क्या है? नंबर तीन पॉइंट ये है, देखो वैसे तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इसे आसान शब्दों में समझाता हूं और बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो रदरफोर्ड के मुताबिक, ध्यान से बात सुनिएगा, रदरफोर्ड के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो घूमते समय वो अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालता रहता है। यार एक छोटी सी बात बताओ, बहुत मामूली सी बात है, तुम इसे फिजिक्स से जोड़कर मत देखो, अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली तुम्हें पढ़ाता रहूं तो
मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद में जब मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी मैं यहीं गिर जाऊंगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल यही रदरफोर्ड ने सोचा कि बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन के अंदर से एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रॉन के अंदर से एनर्जी का विड्रॉ हो रहा है। बच्चों समझ में आ रही बात? अगर किसी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि उस बॉडी की सारी एनर्जी खत्म हो जाए। तो ऐसा ही रदरफोर्ड ने कहा कि भैया जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो घूमते समय वो अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये रहा न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस है, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते 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 जाके कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। इसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है, इलेक्ट्रॉन लगातार ऑर्बिट में कैसे घूम पा रहा है, ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस में गिर जाए। तो एक तो रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बिल्कुल नहीं समझा पाया, एक रदरफोर्ड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, मैंने तुम्हें इसका आसान मतलब क्या समझाया हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम का, मैंने तुम्हें इसका आसान मतलब ये समझाया है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट कैसे बदलता है, इस बात को रदरफोर्ड बिल्कुल नहीं समझा पाया। दूसरी बात, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो कहाँ और कैसे घूमेंगे, इस बात को भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। तो भैया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो बिल्कुल वही है जो गीगर और मार्सडेन का है। जो रिजल्ट गीगर और मार्सडेन ने बताए ना, जू के तू उन्हीं रिजल्ट को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कॉपी पेस्ट कर दो। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली है, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ जाएंगे, एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो जाएगा उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। इसका मतलब है कि एटम के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिस पर एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। उसके लिए हमने 2-3 न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बनाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर और वो ग्राफ वाली कंडीशन, और जो वो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 वाली कंडीशन हमने आपको बताई थी, और ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक है। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी कॉपी में लिखता तो मैं तो सिर्फ 3 बातें लिखता, वो कौन कौन सी मैं लिखता, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया, इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं समझा पाया। मैं तो सिर्फ ये 3 बात लिखकर आता, बाकी आपके सामने है, जितना आप लिखना चाहते हैं उतना आप लिख लीजिए। यह है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जल्दी लिखिएगा, इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, इसीलिए ना ये जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है स्टेबिलिटी वाला, इसीलिए हम इसे ये भी कहते हैं कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ना बच्चों, वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है। कौन? रदरफोर्ड का जो पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ एटम या स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि घूमना तो इलेक्ट्रॉन को ही है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए एटम दिया गया है यहाँ पर। तीनों पॉइंट हमने बता दिए हैं, आपको लगा ध्यान रखेगा भैया, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसके साथ में हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, नंबर 1 थॉमसन एटॉमिक मॉडल, नंबर 2 गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट,
और नंबर तीन है हमारे पास में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे आसान यही था क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमने कॉपी पेस्ट मार दिया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में, गीगर वाले पॉइंट को छाप दिया उठाकर और ड्रॉबैक आपके सामने लिख दिया बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इसे बोलते हैं अनस्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया, और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट कैसे चेंज करता है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, ओके। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पीछे एक मिनट के लिए गीगर और मार्सडेन में लौट के आ जाता हूँ। वो जो लास्ट रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों, क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट रिजल्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विद थीटा एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। ये पॉइंट तो हमने आपको बता दिया था, एक छोटा सा ग्राफ भी इसके अंदर आप बना लीजिएगा। ग्राफ बनेगा ये, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विद थीटा एंगल और यहाँ है थीटा एंगल, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। स्टूडेंट ध्यान रखेगा, ये इसके अंदर एक ग्राफ बनता है भाई हमारे पास में। तो थॉमसन का मॉडल हो गया, गीगर मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट हो गया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सब डिस्कस कर लिया, अब कुछ नहीं बचा इसके ऊपर। अब यहाँ तक ना अच्छे से पकड़ बना के रखना बढ़िया करके अपनी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं कि आगे हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा। देखिए स्टूडेंट, अगला पॉइंट जो हमारे पास में आता है इसे हम लोग बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल या दूसरा नाम है इसका नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। समझ आ रही बच्चों बात, ओके। ये है हमारा नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। ये जो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है ना स्टूडेंट, इसे चार पॉइंट को बेस मानकर समझाया गया है, और नील्स बोर ने अपने इस एटॉमिक मॉडल के अंदर, आप ये समझिए कि ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चन है जो एटम के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में आते हैं ना बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है नील्स बोर ने। अब हम जानेंगे कि भाई वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिनके रेस्पेक्ट में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल तैयार किया गया है, चार पॉइंट को बेस मानते हुए नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल तैयार किया गया है, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लगभग चार क्लास हमारी और लगेंगी इस चैप्टर में, फिर एटम का काम फिनिश और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियाई, ठीक है। मैं अपनी बात पर रहूंगा, 20 मिनट से आगे नहीं निकलूंगा मैं, तो 20 मिनट अप्रोक्स हो चुकी होंगी। तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल की बात हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए मिलेंगे।